नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विप्लव 11 में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ट्राई सीरीज चल रहा है बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड के बीच। तो आज जो मैच है वो आयरलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में मैच है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के ड्रीम इलेवन टीम की। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही टीमों के पिछले मैच की। तो पिछले मैच वेस्ट इंडीज़ अपने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेली थी, जो कि हार गई थी वेस्ट इंडीज़ की टीम। और आयरलैंड का पिछला मैच भी बांग्लादेश के साथ था, लेकिन वो एक भी बॉल नहीं खेल पाई, क्योंकि यहाँ तक कि टॉस तक नहीं हुआ, क्योंकि बारिश की वजह से टॉस भी नहीं हो पाया। आपको बता दो दोनों ही टीमों के बीच। और आयरलैंड उससे पहले आपको बता दो वेस्ट इंडीज़ के साथ खेली थी, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से हारी थी वो वाला मैच। तो हम उस वाले प्लेइंग एलेवन की बात करेंगे और उसमें जो परफॉर्म करने वाले प्लेयर उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले दोनों ही टीमों के जो पिछला प्लेइंग एलेवन था उसके और परफॉर्म करने वाले प्लेयरों की जो रिकॉर्ड था और परफॉर्मेंस था वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आयरलैंड की बात करते हैं, तो आयरलैंड का पिछला प्लेइंग एलेवन आप देख सकते हैं, विलियम पोर्टरफील्ड थे, पॉल स्टीलिंग, एंड्रू बलवरी और लॉरकन टकर, उसके अलावा केविन ओब्रायन, गैरी विल्सन, जॉर्ज जॉकरेल, मार्क एडेयर, बैरी मकार्टी, टिम मुरगाट और लिटल। तो ये था इनका पिछला प्लेइंग एलेवन। इसमें जो परफॉर्म करने वाले प्लेयर थे आप देख सकते हैं, केविन ओब्रायन जो 68 रन बनाए थे, गैरी विल्सन 30 रन बनाए थे और एंड्रू ने 29 बनाए थे। और विकेट लेने वाले दो ही बॉलर को विकेट मिला था, बैरी मकार्टी को 2 विकेट मिला था और मार्क अडेयर को 2 विकेट मिला था। इसके अलावा किसी और बॉलर को कोई विकेट नहीं मिला था। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ टीम की। तो वेस्ट इंडीज़ टीम में आप देख सकते हैं, सुनील एम्ब्रिस है, शाई होप है, उसका ड्रेन ब्रावो है, उसका जेसन होल्डर है, रोस्टन चेस है, जोनाथन कार्टर है, शेन डाउनरिस है, उसके बाद एली नर्स है, केमार रोस, कोर्टल और गैब्रियल। तो ये इनका पिछला प्लेइंग एलेवन था। और पिछले मैच में परफॉर्म करने वाले प्लेयर आप देख सकते हैं, साइप ने 109 रन बनाए थे, रोस्टन चेस ने 51 और सुनील एम्ब्रिस ने 38 रन बनाए थे। और विकेट लेने वाले दो ही बॉलर को विकेट मिला था, रोस्टन चेस को 1 विकेट और गैब्रियल को 1 विकेट। इसके अलावा किसी और बॉलर का विकेट नहीं मिला था। अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विकेट कीपर में आपके पास आपको तो 3 ऑप्शन है। डावरिस को भी पिछले मैच में खिलाया गया था, आपको तो डावरिस को खिलाया गया था चैम्बल के जगह पे। चैम्बल को पिछले मैच चैम्बल को नहीं खिलाया गया था। तो अगर आप डावरिस को लेना चाहते हो तो बेशक ले सकते हो। इसके अलावा गैरी विल्सन भी आपके पास ऑप्शन है, मैंने साइप को लिया। अगर आप साइप को ड्रॉप करके इन दोनों में से किसी एक को लेना चाहते हो तो बेशक ले सकते हो। इसके बाद बात करते हैं बैट्समैन की। तो 4 बैट्समैन मैंने रखे, केविन ओब्रायन को लिया, विलियम पोर्टरफील्ड को लिया, रोस्टन चेस को लिया, सुनील एम्ब्रिस को लिया। इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन आपको दे दो, टकर को आप ले सकते हो, डरेन ब्रावो को ले सकते हो, बलूरी को ले सकते हो। तो ये कुछ आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद अगर चैम्बल खेलते हैं डोरिस की जगह तो आप चैम्बल को भी ले सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शन है, आप इनमें से किसी को ट्राई कर सकते हो। जो 4 बैट्समैन मैंने लिए वो है केविन ओब्रायन, विलियम पोर्टरफील्ड, रोस्टन चेस और सुनील एम्ब्रिस। अगर आप इनसे सेटिस्फाई नहीं तो बेशक इनको चेंज कर दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर की। तो ऑलराउंडर मैंने जेसन होल्डर, पॉल स्टीलिंग को लिया और जोनाथन कार्टर को लिया। इसके अलावा आपके पास जो एकमात्र ऑप्शन है वो अडेयर का ले सकते हो आप, अडेयर का ऑप्शन आपके पास बचता है। इसके अलावा जो 3 ऑलराउंडर लिया वो जेसन होल्डर, पॉल स्टीलिंग और जोनाथन कार्टर है। अब बात करते हैं बॉलिंग की। तो बॉलिंग में मैंने कोर्टल को लिया, केमार रोच को लिया है और मकार्टी को लिया है, ये 3 बॉलर मैंने लिया। इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन है, आप डॉकरेल को ले सकते हो, नर्स से बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप देख सकते हो 64 पॉइंट है इनके, बहुत अच्छे बॉलिंग कराते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो बेशक ले सकते हो। गैब्रियल भी बहुत अच्छा स्कोर है, पॉइंट है इनका 52 पॉइंट है। अब जैसे 50% लोगों ने लिया तो आप इनको लेना चाहते हो तो इनको भी ले सकते हो। इसके अलावा मुरगाट आपके पास ऑप्शन है, लिटिल भी आपके पास ऑप्शन है, तो इनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। जो 3 बॉलर मैंने लिया, क्वार्टर को लिया, केमार रोस को लिया है और मकार्टी को लिया है। इसके बाद बात करते हैं टीम प्रीव्यू और कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो आप देख सकते हैं मैंने कैप्टन रोस्टन चेस को बनाया और वाइस कैप्टन विलियम पोर्टरफील्ड को बनाया। इसके अलावा केविन ओब्रायन, सुनील एम्ब्रिस ओपनिंग करना चाहते हैं, शाई होप के साथ ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जोनाथन कार्टर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बॉलिंग में बात करें तो केमार रोस, क्वार्टर, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इनमें से भी किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो देख लीजिएगा आपको किनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। जो मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन रोशन चेस और विलियम पोर्टरफील्ड को बनाया। और इसके अलावा पूरी टीम एक बार आपको बता देता हूँ, विकेट कीपर मैंने साई होप को लिया, बैट्समैन में मैंने रोशन चेस, सुनील एम्ब्रिस, केविन ओब्रायन, विलियम पोर्टरफील्ड को लिया। ऑलराउंडर मैंने जोनाथन कार्टर, जेसन होल्डर, पॉल स्टीन को लिया और बॉलर में मैंने कोर्टल, रोच और मकार्टी को लिया है।
अगर आप इनसे सेटिस्फाई हो तो बेशक इनके साथ जा सकते हो, अगर इनसे सेटिस्फाई नहीं हो तो बेशक इनको चेंज करके किसी और को ले सकते हो। और एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, टॉस होने के बाद जरूर एक बार टीम एडिट कर लीजिएगा ताकि आपका कोई प्लेयर मिस ना हो। एक प्लेयर मिस होता था बहुत ज़्यादा पॉइंट माइनस होता। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे हम लोग वीडियो अपलोड कर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन मिलते वीडियो को देख करके ड्रीम इलेवन की टीम बना सके। एंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए ड्रीम इलेवन टीम बनाने में। एंड आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में।